हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं क्लास 10 के जो NTSE एग्ज़ाम होता है, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसके बारे में, उसके ऊपर जो एक किताब है TMH यानी मैग्रो हिल का, उस किताब का एक ऑनेस्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किताब का आउटलुक है। ये 6th एडिशन है 2021 का, एकदम नया एडिशन TMH का है। देखिए, जैसे कि आपको पता है NTSE में क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। एक मैट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एक होता है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर जिसको हम SAT बोलते हैं। तो इस बुक को भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मैट और एक है SAT। तो चलिए देखते हैं इस बुक का कंटेंट। कंटेंट से पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NTSE को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, ताकि NTSE के बारे में भी हमें जानकारी मिले। आपको जैसे पता है कि NTSE स्टेज 1 और स्टेज 2, दो स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, तो वही सारी डिटेल्स इधर दी गई है। तो चलिए कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट पे देखिए, पहले जो पार्ट है, पार्ट 1, दैट इज मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पे सेक्शन ए में है वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में क्या क्या है? सीरीज कॉम्प्लीशन, इंसर्टिंग अ मिसिंग कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम्स टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अदर टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, एरिथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशियंसी एंड कंपेरिजन, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लॉक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स इन्होंने कवर किया हुआ है, ये सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल टेस्ट। यहाँ पे है क्लासिफिकेशंस, सीरीज, इसके बाद एनालॉजी, कॉम्प्लीशन ऑफ पैटर्न, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, डू नॉट फिक्सिंग सिचुएशन, फोल्डिंग पेपर कटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब, डाइस फोल्डिंग एंड डाइसेस। तो कुल मिलाकर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे 12 और इधर 13, टोटल 25 चैप्टर्स हैं मैट के, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और फिर इन चैप्टर्स के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं। इनमें 50 हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हैं, जो कि आपको मदद करेंगे। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी, इसमें हिंट्स और सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। नेक्स्ट है SAT, SAT का पार्ट। इसमें जैसा आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो फिजिक्स के चैप्टर सब देख सकते हैं, मेजरमेंट है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, हीट, वेव, मोशन, साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो सारे चैप्टर्स 9 और 10 में, उनको कवर किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में है मैटर एंड मोल कॉन्सेप्ट, एसिड बेस्ड सॉल्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद मैथमेटिक्स में आता है पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। बायोलॉजी में आता है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद इधर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड डिजीजेस, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर मैनेजमेंट, मिसलेनियस क्वेश्चंस उसके बाद है। फिर हिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, द फ्रेंच एंड रशियन रिवोल्यूशन, नैसिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी, पेट्रोलिज्म, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। जियोग्राफी में इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, रिवर सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स में विलेज, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जैसे 9 के बुक में है, क्लास 9 के बुक में। तो सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और सब के अंत में एकदम दो मॉक टेस्ट पेपर्स गिवन है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए बुक के अंदर की चीज़ें भी देखते हैं। और एक बड़ी
अच्छी बात है इस किताब की कि इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी पैरेलली दिया गया है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए, एक टॉपिक के पहले कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स और फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका जो मतलब तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और तो देखिए हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मतलब अगर आप कोई डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको मैं एक फिजिक्स का पार्ट दिखाऊँ, जैसे रिफ्लेक्शन अभी खोल के रखा है मैंने, तो इसमें क्या है कि हर एक टॉपिक के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, उसमें थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में उन्होंने थोड़ा डिस्कस किया है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं। इससे टॉपिक के बारे में भी अगर आपको कुछ जानना है वो भी आप यहाँ से मतलब आप सबको मिल जाएगा सब कुछ। और इसके बाद एकदम आखिर में दो मॉक टेस्ट हैं। तो मैं जैसा बता रहा था कि हर एक टॉपिक के पहले उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अगर आप यहाँ देखें नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, इसमें भी अच्छी तरीके से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सफिशियंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेन बैंक से कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। और अब हम आ गए हैं पार्ट थ्री पर, मॉक टेस्ट पेपर्स। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट पेपर वन यहाँ पे चल रहा है ऐसे। यहाँ पे टेस्ट्स के लिए क्वेश्चंस गिवन है, और यहाँ पे फिर आपको एक ओएमआर शीट की जो कैसा होता है ओएमआर शीट, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे आपको साफ पता चलेगा कि कहाँ पे आपको आंसर देना है, तो आपकी एक तैयारी एकदम फुली अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो बेसिकली ये बुक जो है वो स्टेज वन और स्टेज टू दोनों के लिए है, लेकिन अलग अलग से भी इनका एक बुक आता है स्टेज वन के लिए, वो आप इसे उसे भी खरीद सकते हैं या फिर इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप इसको खरीदते हैं तो स्टेज वन और स्टेज टू दोनों कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।